नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की मेरी जो खबर है ये ऐसी घटना है जो आज से पहले कभी हुई नहीं है और आज के बाद कभी होगी नहीं शायद। इस पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दरअसल आपके स्क्रीन के ऊपर एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा आपको। यह नोटिस है अनाधिकृत बांध काम के सिलसिले में, पेपर दिखाओ, पेपर शो करो, उसका नोटिस, शोकस नोटिस जिसको बोलते हैं। ऐसे कई नोटिस हर रोज निकलते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह नोटिस क्यों खास है उसके पीछे का कारण यह है कि नोटिस जिसको निकाला गया है वो और कहीं नहीं वसई विरान महानगर पालिका प्रभाग समिति आयुक्त के सहायक आयुक्त विक्टर डिसोजा है। वह अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है अनाधिकृत बांध काम को रोकने की, खुद उनका मकान इलीगल है, यह नोटिस बोलता है। दरअसल यह नोटिस निकाला है वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर के सहायक आयुक्त गिंसल गोंसाल्विस ने, और जैसा मैंने अभी बताया ये निकला है विक्टर डिसोजा के खिलाफ। तो ऐसी शिकायतें विक्टर डिसोजा के खिलाफ आई थी कि उनका घर है वो अनाधिकृत है, वो अनाधिकृत बांधकाम हुआ है, तो उसी का खुलासा मांगने के लिए शोकेस नोटिस निकाला गया है। 24 घंटे का समय दिया गया है कि 24 घंटे में आप पेपर सादर करो, अन्यथा आपके ऊपर एमआरटीपी की कार्यवाही की जाएगी। तो जैसा मैंने अभी पहले कहा कि वसई विरार महानगर पालिका में वो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है कि अनाधिकृत बांध काम को रोका जाए, खुद उनके घर अनाधिकृत सामने आ रहे हैं, जिसका नमूना यह सीधा साधा नमूना है। साथ ही साथ यह नोटिस निकालकर प्रभाग समिति एच नवगर के सहायक आयुक्त गिंसल गोंसाल्विस ने काबिले तारीफ काम किया है कि अपने ही एक अधिकारी के खिलाफ उन्होंने नोटिस निकाला। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में, पिछले महीने में, वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर के ठीक सामने अनाधिकृत तौर पर रिनोवेशन का काम हुआ था। नवगर माणिकपुर पेट्रोल पंप के बाजू में अनाधिकृत तौर पर बड़े गाले का रिनोवेशन हुआ था। तब प्रभाग समिति सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस ने एक नोटिस तक नहीं निकाला। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या खेल है, ये चीज अलग है। मैं फिर से लौटता हूं अपने पुराने मुद्दे पर, जो यहां विषय है। यहां विषय विक्टर डिसोजा की हम बात कर रहे हैं, जो आज तक प्रभाग समिति आई के सहायक आयुक्त के पद पर थे। आज ऐसी जानकारी आई है कि वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय से सहायक आयुक्त, दूसरे सहायक आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि जब तक दूसरे सहायक आयुक्त अपना पदभार ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक कायदे के हिसाब से विक्टर डिसोजा ही वहां के प्रभारी सहायक आयुक्त है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रभाग के सहायक आयुक्त ने, वो भी प्रभारी, दूसरे प्रभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त के खिलाफ नोटिस भजाया है। काफी बड़ी घटना है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि विक्टर डिसोजा, जिनका एक ऑडियो भी हमारे पास है, ऑडियो क्लिप भी हमारे पास है, उसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे कि वसई विरार में सभी इल्लीगल है। तो ये सभी का मतलब क्या उनका यह था कि मेरा भी इल्लीगल है, यह सवाल बड़ा है। वो ऑडियो भी आप आगे सुनेंगे। एखाद्याचं घर तोडायला सांगता तुम्ही, हे योग्य आहे का सांगा मला पहिले। तो काही माझा लागून नाही गेला, कोण जो कोण असेल तो माझा काही लागून नाही गेला। पण घराविषयी तुम्ही एखाद्याचं दुसऱ्याचं घर त्याने जर सांगितलं तुमचं घर तोडा, तर आम्ही 15 वर्ष झाली बांधले, पण आमचं ते लिगली बांधलेलं आहे। बाबा सगळ्यात लिगली आहे का? आप सगळे अनधिकृत घर पडते, कोणाची इथे लिगली कोण नाही, सगळे अनधिकृत आहेत। तुम्ही जर घर तोडायला लावता ना, ते चुकीचं आहे। तुम्ही जा कोर्टामध्ये ना भांडा द्या, मी कशाला देऊ तुम्हाला? काय तुम्ही माझे कोर्ट लागून गेले? तुम्ही अशी भाषा नका बोलू, हे लिखित आहे, ते लिखित आहे, ते तुमचं काम तुम्ही करायचं। ते आम्हाला काय सांगायचं की हे करा ना ते करा? इस पूरे मामले में जो कोई मेन करता धरता है, वो करता धरता है वसई के सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश वर्तक। नीलेश वर्तक ने इस पूरे मामले का उजागर किया और विक्टर डिसोजा के खिलाफ शिकायत की, जिसके ऊपर ये नोटिस निकला। तो इस मामले में हमने नीलेश वर्तक से बात की,
वो आप सुने आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। नीलेश भाई आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये कागज सादर करने की नोटिस है। ये किसने निकाला है, किसको निकाला है? ये प्रभाग समिति एच ने, मैं तकरार किया था विक्टर डिसोजा, इनका घर अवैध है ऐसी मेरे को मालूम है, इसके लिए मैंने उनके ऊपर तकरार किया और तकरार का आधार है गिल्सन सहायक आयुक्त, इनने उनको नोटिस भजायल है। और विक्टर डिसोजा कौन है? विक्टर डिसोजा सहायक आयुक्त प्रभाग समिति आई के सहायक आयुक्त है। मतलब एक सहायक आयुक्त ने दूसरे सहायक आयुक्त को नोटिस भजाया? हाँ, जो गैर कानूनी करके तो नोटिस भजा है, कागज सादर किया, 24 घंटा हो चुका है, अभी तक नोटिस उसने कागज सादर किया नहीं है। अभी इसके ऊपर MRDP अंतर्गत गुनाह दाखिल करने की हमारी मांग है और मैं करूँगा। अच्छा, ये विक्टर डिसोजा का घर इलीगल है, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? वो घर है उसका, ससरे का घर जिधर वो रहता है पाचू बंदर, उधर भी सरकारी जगह पे 80 सर्वे नंबर 80, और मैं इसका सर्वे नंबर 80 में सरकारी जगह पे बांधकाम अवैध है इसका ससरे का, और उसमें ये रहता है। इसको भी मैंने तकरार किया है प्रभाग समिति आई में, वो भी नोटिस देना पड़ेगा, नहीं दिया तो मैं धरना आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। ये जो नोटिस है ये प्रभाग एच के हाथ में, ये कहाँ पे है? ये जो है चुलना गांव में है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये कि इसने लोगों को नोटिस दे के दिवाली का टाइम पैसा वसूल किया, नोटिस दे के खाली करने का नोटिस दिया, कागज सादर करने का नोटिस दिया, अगर उसे भी नहीं होगा तो MRDP नोटिस भी दिया, लोगों का सुनने को नहीं हुआ तो इसने वापस उसके पैसे के लिए आदमी भेजा, इंजीनियर को भेजा है, रेड्डी करके इंजीनियर है, उसको भेजा पैसे के लिए सुबह 10 बजे, कार्यालय खोलने का पहले इसने वसूली को भेजा है। आप क्या चाहते हैं? अभी हमारे ऊपर उसका कार्रवाई होना है, खुद के घर के ऊपर भी कार्रवाई होना मांगता है, उसको निलंबित होना मांगता है, ऐसा अधिकारी आना नहीं मांगता है वो सही में। और ये आयुक्त का वचक नहीं है, आयुक्त जो है और ये सहायक आयुक्त जितने हैं, उपायुक्त है, उपायुक्त सबसे बोलेगा ना, इन लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल है, वो बम्बई से आए, उनको सिर्फ वसई के पैसा लूट के लेके जाने का है, वसई की क्या वाट लगने का वो लगने दो। आशीष पाटिल भी उसके जिम्मेदार है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।